तो हर हर महादेव जी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो टाइम अगर 10:10 हो गए हैं तो हम खड़े हैं ऑफिस, और आज मैंने पाजी को बोला था वीडियो बनाने के लिए, और ये हमारे राहुल भाई तो ड्यूटी ऑन कर चुके हैं। हम आ गए थे 9 बजे, पाजी वैसे अभी 15-20 मिनट हो गए। सर हेलो सर, ये हमारे शेफ साहब, दिखाऊं जूम मार दूं आप पे? ये लो फोकस करो, ये लो फोकस करो। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ 37 ये बुटीक में कपड़ा देने, तो चलें। आप सब को मौसम बताऊं तो मौसम आज बस मतलब बारिश हो रही है, कल की भी और आज की, दो दिन की बारिश बताई है, आज कम बताई हुई है, कल ज़्यादा बताई हुई है। तो देखते हैं कैसा कुछ रहता है, बाकी चलते हैं। भोले का नाम, बोलो शंकर भगवान की जय। चलते हैं फिर, है ना, स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं गाइस, ये 20:17 पहुंचने वाले हैं। मतलब यार चंडीगढ़ में ना लाइटें बहुत लंबी लंबी होने लग गई हैं। इसमें तो नहीं आएगा हमारा नंबर, अगले में देखते हैं। निकल गए गाइस, निकल गए, दूसरे राउंड में निकले हैं। तो अब पहुँचे गए आने वाले हम 17। तो बाकी मैंने आपसे बात करनी थी, थैंक यू सो मच, आप इतनी सपोर्ट दिखा रहे हो, और बस ऐसे ही अपनी सपोर्ट दिखाते रहना, और 100 या 120 के समथिंग हम दूर हैं बस अपने टारगेट से। तो जल्दी से करा दो कंप्लीट, और पहुंच गए हम यहाँ पे, तो निकल जाएंगे यहाँ पे। बड़ी है मतलब सेकंड्स ज़्यादा हैं, तो निकल जाएंगे अगर सब चलते रहे तो। और हमारे राइट में है बस स्टैंड, और यहाँ पे है 22 की मोबाइल मार्केट लेफ्ट में। तो किस किस को पता है जो चंडीगढ़ से, पहले तो जो चंडीगढ़ से बाहर वाले देख रहे हैं वो कमेंट करके बताओ पता आपको। और ये बस स्टैंड 17 का, तो हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। मेरे लेफ्ट साइड है 23 और इस साइड है 25, नहीं 24, ये 24 सेक्टर है, ये 23 सेक्टर है। और पहुंच गए भाई, पहुंच गए, लाइटें टप जाए बोले, थैंक गॉड, थैंक यू भोलेनाथ। और हमने यहाँ से लेना है राइट, क्योंकि स्लिप रोड में घुसना है ना हमने। ये भाई साहब की शायद फोटोग्राफर आए हैं, तब जाके इसने ऐसी वो डाली हुई है ना, शायद फोटोशूट करते हैं ये। और आगे चल रही हमारी कहानी, पहुंच गया हूं मैं। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी ना कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर मतलब वो डिज़ाइन की बनाई हुई है, ये वाली आगे आके, ये सुंदर सारी हैं, देखो मैं सब बहुत सुंदर है, मेहनत की चीज़ है। क्योंकि गाड़ी मोड़ लूँ मैं पहले यार, फिर दे के आते हैं ये पार्सल।
हटा है पीछे गाइस, ध्यान से यहीं लगा देता हूँ। कैसे खड़ी होगी दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको, मैं कैरी बैग कलेक्ट कर लूँ अपने साथ और दरवाजा खोल लेते हैं। और मौसम ही देखो कितना प्यारा हो रहा, बहुत ही सुंदर मौसम और आज बहुत सुंदर। लॉक कर देते हैं गाड़ी, चाबी शायद अंदर रह गई है। ठीक है, क्या नाम है आपका? तो फ्रेंड्स दे दिया, चलते हैं अब। जाते हैं तो क्या दिखाऊंगा आपको, बस पहुंच के मिलता हूँ, है ना? ठीक है गाइस, और आपको दिखाऊं मैंने गाड़ी कैसे खड़ी करके, देखा आपको दिख रही है टिड्डी, टिड्डी दिख रही है ना, क्योंकि तो यहाँ है खड्डा। ये देखो 00 मानोगे, जीरो जीरो लगाई है, चलते हैं बाकी। पहुंच गए हम 19 सेक्टर, पहुंच गए 19:27, पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट, बस 2 मिनट और लाइट हाउस से हमने राइट होते ही पहुंच जाना है। अरे हमारे खड़े हैं चंडीगढ़ पुलिस, हर चौक पे खड़े हैं, हर लाइटों पे खड़े हैं, दिन खड़े हैं, रात को खड़े हैं, तो सलूट है इनको। कमेंट में भी आप भी जय हिंद जय भारत लिख देना, क्योंकि यार इन्हीं की वजह से हम आराम से चैन से सो पाते हैं, नहीं तो हमारे घर में कोई भी घुस जाए, चोरियां कर जाए, मार जाए, तो इनका डर है, तभी आज हम चैन से सो पाते हैं। और इनसे ऊपर है हमारे इंडियन आर्मी की, जहां हम सोच भी नहीं सकते ना 2 मिनट के लिए खड़े होने के लिए, वो वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं अपनी, तो हिम्मत है उनको। बाकी पहुंच गया हूं मैं 19 की लाइटों पे, पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट अपने वापस लोकेशन पे, है ना, पहुंच गए हम। बाकी ग्लेंजा गई हुई है, इनोवा खड़ी है, चलो हम भी खड़े हो जाते हैं आके। टाइम अगर बताऊं 12 बजने वाले हैं और मैं पहुंच गया हूं। और हाँ जी कार्तिक, कैसे हो आप? हाँ हेलो, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कैसे लाइक करना है? इधर अच्छे से यार खड़ा होके कैसे करना है, इधर बता। तो हम जा रहे हैं अब प्रोटोकॉल के साथ आगे जा रहे इनोवा, मैं दूसरी गाड़ी में हूँ, चल रहे हैं हम। टाइम अगर आपको बताऊं तो 12:20 हो गया है, 1:11, लंच हमने कर लिया, बस अभी करके वापस ही जा रहे हैं। अरे सामने कौन निकला, रोनी सर। तो फ्रेंड्स मैं आ रखा हूँ सेक्टर 26 पुलिस थाने, DSP साहब के पास, सर को साहब को लेके। तो मैं दिखाता हूँ, आप सब ना बोलना मत कुछ, चुपचाप देख लेना ठीक है, चुपचाप, क्योंकि लाउड नहीं है ना। टाइम अगर बताएं 6 बज गए हैं, तो मौसम चेक करो आप, क्या ही मौसम हो रखा है। इस साइड ज़्यादा काला हो गया है, क्या कह रहे हो? चंडीगढ़ में तो भाई बम मौसम हो रहा है, बम, बिल्कुल बम। बम कौन सा? आलू बम? वो पटाखा बम डिशुम में फटेगा भाई, फटेगा।
स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है ऊपर, बारिश होगी और मौसम चेंज होएगा भाई। अच्छा, कल से धूप निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो एंजॉय कीजिए। फोकस हो रहा है, वो ये उधर कर रहा है और ये क्या कर रहा है यहाँ चढ़ के। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। भाई गड़बड़ा गया बंदा, वो यहीं तक आ गया रे। टाइम 6:20 हो गए हैं और आज पता नहीं कितने बजे जाएंगे हम, कुछ नहीं पता। बारिश आने को हो रही है, मौसम बिल्कुल गड़गड़ 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 कर रहा है। 2 दिन की बारिश दिखाई हुई चंडीगढ़ में, देखो क्या होता है यार सारी तरफ। तो अब मैं और सर और मैडम अभी तो 27 में ही कार्ड बांट रहे हैं, तो मैं सर और मैम फिलहाल अभी तो कार्ड बांट रहे हैं हम। तो टाइम अगर मैं आपको बताऊं 7 बज गए, 8 बजे तक हो जाएंगे जहाँ तक है फ्री, 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे। मैं जा रहा हूँ एकदम से अलंटे, क्योंकि वहाँ पे जब शाम को ना जो बुआ जी हैं सर, मतलब जो मेरे सर की वाइफ बहन है ना, उनको मैं छोड़ गया था, तो अब वो फ्री हुए हैं तो मैं उनको पिक करने जा रहा हूँ। सर और कहते हैं हम खुद चले जाएंगे, तू जा, तो मैं अभी रास्ते में हूँ, बस जा रहा हूँ एलेंटे की तरफ उनको पिक करने। और मौसम भी हमारे साथ कर रहा है प्रैंक, कभी बीच बीच में बादल करने लग जाते हैं और मौसम साफ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मौसम में चल क्या रहा है। प्रैंक सही चल रहा है, शायद भगवान हमारे साथ प्रैंक कर रहे हों। लेना है राइट, बस यहाँ पे यही पंगा है, यहाँ पे ना लोग पेशेंस नहीं रखते थोड़ा सा, यार मुड़ने दो क्यों जाम लगाना। पर हाँ ये मानना कि अगर इनकी ग्रीन लाइट है तो आप निकल जाओ, अदरवाइज हमें निकलने दो यार, जब लाइटें नहीं है आपकी तो वेट कर लो, पेशेंस नहीं है। अगर मेरी चंडीगढ़ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप सब कोशिश करा करो कि यार जब आपकी लाइटें नहीं है तो आप वेट कर लो जो हम मतलब निकल सके। अब आप खुद ही देख लो, ज़बरदस्ती अड़ना पड़ता है ये देखो तब, और ऐसे में ना लगने का डर रहता है। ये देखो, ये देखो, तो बहुत मुश्किल है निकलना। ओके चलते हैं, पहुंचने वाला हूँ मैं। जिन अक्का लगा हुआ तो मैं मोबाइल नीचे रख देता हूँ, ठीक है। पर अपन यहाँ से भी मुड़ सकते हैं यार, चलो वहाँ तक जाना ही क्यों, अपन यहीं से मुड़ जाते हैं। ये शायद जावा थे, बस ये राइट मुड़ के ये थोड़ा सा क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं अलंते मॉल। वो
माहौल मैं रख देता हूँ, क्योंकि आपको पता मैं उनके आगे नहीं बनाऊंगा, पर ये देख लो मैं पहुंच गया हूँ। जूर पिक करके बस पहुंच ही गया हूँ वापिस। तो फ्रेंड्स मैं आया हूँ अभी काके के ढाबे पे, सेक्टर 28 बैठा हूँ अभी ऑर्डर लेने। और टाइम अगर आपको बताऊँ तो 9 बजने वाले हैं। देखो कब तक फ्री होते हैं, कुछ नहीं पता। मैंने पिक कर लिए हैं, अब जा रहा हूँ वापस कोठी की तरफ। लाइटों पे ही खड़ा हूँ, बहुत टाइम लगा रहे हैं यार, जल्दी से हो जा प्लीज़, हो जा। बहुत लेट हो गए हैं, 9 बज गए हैं यार। कल मैं आपको सच बताऊं फ्रेंड्स, मैं ना जितना लेट जाता हूँ ना, मैं रोटी तक नहीं खा पाता, क्योंकि मन ही नहीं करता यार, क्योंकि 11 बजे कोई टाइम थोड़ी है रोटी खाने का, तो अब भूख सी नहीं लगती। हाँ जब लगती है तब काम पे बिजी होते हैं, और अभी तो 11-12 तारीख तक, उसके शायद बाद भी थोड़े दिन बहुत मतलब हार्ड शेड्यूल होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो हमारी इस लाइन में ऐसा है कि हम मना भी नहीं कर सकते हैं जब तक हम किसी के पास हैं, आप समझ सकते हो, है ना। वो हमें सैलरी दे रहे हैं तो हम उनको मना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने काम छोड़ के उनके करने पड़ते हैं। तो अभी भी बस मैं पहुंचने वाला हूं, घर से भी फ़ोन आया था तो मैंने अभी उनको भी यही बोला है कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 घंटा पहले आया था। तो अब देखते हैं, बाकी राहुल भाई, बाकी वो सरदार जी, मदन जी सही रह गए, टाइम से चले गए। तो अब हम भी देखो, आई होप सो, फिंगर क्रॉस, अब कोई काम तो है नहीं है, जो काम था कर दिया, मैं भी चला जाऊं घर, है ना।